पूर्व केंद्रीय मंत्री और कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद रहे आरसीपी सिंह ने नई पार्टी का ऐलान किया है। उन्होंने नई पार्टी के नाम की घोषणा भी कर दी है। आरसीपी सिंह की नई पार्टी का नाम आप सबकी आवाज यानी आशा है। नई पार्टी के नाम का ऐलान करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि आज दीपावली है और दीप जलाया जाता है। उन्होंने कहा कि दीप आशा को जलाता है। आरसीपी सिंह ने पार्टी के झंडे की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी का झंडा तीन रंगों का होगा। सबसे ऊपर हरा रंग होगा, बीच में पीला और सबसे नीचे नीला रंग होगा। आरसीपी सिंह ने कहा कि जब हमें चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, उसके बाद झंडे में जो पीला रंग होगा उसी पर बीच में चुनाव चिन्ह भी अंकित होगा। जब आरसीपी सिंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि उनकी पार्टी का संविधान क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का संविधान अन्य पार्टियों के संविधान से अलग होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने नीतीश कुमार की शराबबंदी योजना को लेकर कहा कि यह पूरी तरह से फेल है। आरसीपी सिंह ने कहा, आप किसी के खानपान पर रोक नहीं लगा सकते। हम लोग शराब रोकने के लिए जन जागरण का कार्यक्रम करेंगे। शराबबंदी से सरकार को हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। कई ग्रामीण इलाकों में लोग जेल में चले गए। इसमें सुधार की आवश्यकता है। आरसीपी के नई पार्टी बनाने की घोषणा से राजनीतिक गलियारों में किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा इसकी चर्चा तेज है। कुछ जानकारों का कहना है कि आरसीपी के इस कदम से नीतीश कुमार को नुकसान हो सकता है। हालांकि कुछ इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। बता दें कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों कुर्मी जाति से आते हैं। दोनों का गृह क्षेत्र नालंदा है। बता दें कि कुछ दिन पहले आरसीपी सिंह ने ऐलान किया था कि वो अपनी पार्टी बनाने वाले हैं और उनके समर्थन में टाइगर जिंदा है के पोस्टर भी लगाए गए थे। आरसीपी सिंह ने पहले सिविल सेवा भी की और वो जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि बिहार में आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।